हेलो एवरीवन मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जनवरी 2022 की लव टारो रीडिंग तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और देखिए दूसरी बात इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस ही लें क्योंकि जब भी, भी हम कोई रीडिंग देखते हैं तो हम इस उम्मीद के साथ देखते हैं कि भाई हमें अच्छा अच्छा सुनने को मिलेगा और देखिए ज़िंदगी सिर्फ खुशियाँ या फिर अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं हैं ज़िंदगी खट्टा मीठा है और देखिए जब हम जो भी इश्यूज़ हैं इनसे भागते हैं तभी ये इश्यूज़ हमारी लाइफ में बढ़ते भी हैं तो यहाँ पे देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि अगर रीडिंग में आपको वही सुनने को मिलता है जो आप चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी से तो बहुत अच्छी बात है और अगर आपको कुछ और सुनने को मिलता है तो आप उसको सुन के मायूस ना हो आप उस रीडिंग में से गाइडेंस लें क्योंकि क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि टैरो एस्ट्रोलॉजी ये ज़्यादा गाइडेंस के लिए होते हैं तो फिर से देखिए इस रीडिंग को आप एस प्रिडिक्शन ना लें आप ये ना सोचें कि जो मैम ने कहा ये होगा ही होगा देखिए वो एक पॉसिबिलिटी है या मैं कह सकती हूँ कि जो आपकी अभी एनर्जीज़ हैं उसके बेसिस पे वो एक पॉसिबल आउटकम है लेकिन अगर आपको वो नहीं अच्छा लग रहा है तो आप अपनी करंट लाइफ की एनर्जीज़ में चेंजेस ला के फ्यूचर को भी चेंज कर सकते हैं जैसे जब भी भी हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो सबसे पहले हम गूगल मैप में देख लेते हैं कि कौन सा रास्ता क्लियर है और जिस रास्ते में ट्रैफिक होता है हम उसको अवॉइड करते हैं ऐसे ही आप इस रीडिंग को गूगल मैप की तरह लें जहाँ पे भी कुछ इश्यूज आपको दिख रहे हैं तो उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे आप बेटर कर सकते हैं उस पर आप फोकस करेंगे तो देखिए आप अपनी एनर्जीज़ को या फिर अपने फ्यूचर को भी बेटर बना पाएंगे तो इसी के साथ हम जनवरी 2022 की रीडिंग शुरू करते हैं तो चलिए सजेरियस आप लोगों के लिए देखें कि जनवरी 2022 में आपकी लव लाइफ़ कैसी रहेगी तो मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ़ कार्ड्स हैं फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं सेजडेरियस और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द हैंगमैन एंड पेंडुलम और पेंडुलम का कार्ड कहीं यू नो यस और नो के बीच में झूलने की बात करता है और कुछ ऐसा ही कुछ टाइम से या फिर जनवरी स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेकर आपके मन में रहता हुआ दिख रहा है होता है ना हमें लगता है कि करें ना करें होगा नहीं होगा बोलूँ ना बोलूँ तो देखिए ये जो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा किसी भी चीज़ को लेकर आप यस और नो में रहते हुए दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है आपको कोई चॉइस लेनी है और फिर से देखिए मैं कहूँगी कि आप टू माइंड्स में हैं आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं या फिर वो डिसीजन वो चॉइस लेना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है और देखिए इसीलिए शायद सोफिस लेवल के लिए हैंगमैन का कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं आपको ऐसे लग सकता है कि भाई आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं किसी लेवल पे आप बंधा हुआ भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कुछ एडजस्टमेंट्स आप अपने रिलेशनशिप के लिए या फिर अपने पार्टनर के लिए करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं और देखिए कहीं मिड जनवरी के लिए हर्मिट रिवर्स एंड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के कार्ड्स कहते हैं कि आप बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आप कहीं चीज़ों से लोगों से विदड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं आप एक बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं इनफैक्ट देखिए जनवरी स्टार्टिंग से लेकर मिड जनवरी तक ही, आपकी थोड़ी सी पैसिव एनर्जीज दिख रही हैं आप चीज़ों को लेके और समझना चाहते हैं और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या मैं कह सकती हूँ कि आगे बढ़ने से पहले आप अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं आप एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में दिख रहे हैं और देखिए एक मिसिंग सी फीलिंग रहती हुई दिख रही है जहाँ पे हंड्रेड परसेंट आप किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं जहाँ पे किसी चीज़ को आप किसी लेवल पे ढूंढते हुए भी दिख रहे हैं तो देखिए फिर से नक्सल में मिड जनवरी तक आप बहुत ग्रेट चीज़ों को लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं एक मिसिंग सी फीलिंग है एक अकेलापन या तो आप चाह रहे हैं या फिर एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं और देखिए जो भी मिड जनवरी तक हो रहा है कहीं यहाँ पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का, का कार्ड कहता है वो हो सकता है कि आपको अच्छा ना लग रहा हो या फिर किसी लेवल पे आपको परेशान कर रहा हो लेकिन फ्यूचर के लिए एक ब्लेसिंग आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है कहीं अच्छी एनर्जीज ही यू you नो know, इस चीजों की वजह से आपकी लाइफ में आगे आती हुई दिख रही हैं और देखिए एंड ऑफ जनवरी के लिए यहाँ पे वॉच वेरी सून एंड द लवर्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि मिड जनवरी तक जहाँ आपकी पैसिव एनर्जीज़ हैं जहाँ पे यू you नो know, आप वेटिंग एंड लॉइंग वाली एनर्जीज में हैं आप इतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं वहीं एंड जनवरी में किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े से इम्पलसिव भी रहते हुए दिख रहे हैं थोड़ी सी जल्दबाजी में आप दिख रहे हैं और देखिए सरफेस लेवल के लिए द लवर्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक सोलमेट कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हैं कहीं बहुत ज़बरदस्त एक पैशनेट एनर्जीज भी आपकी तरफ से दिख रही हैं एक फिजिकल इंटीमेसी भी आप चाहते हुए दिख रहे हैं लेकिन साथ ही साथ एक डिस्टेंस भी मेंटेन करते हुए आप दिख रहे हैं और अब देखते हैं सेडिटेरियस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं तो देखिए सेडिटेरियस आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं पेज ऑफ वॉन्स एंड लास्ट वाउन तो देखिए आपके पार्टनर कहीं जनवरी स्टार्टिंग में एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन एक फ़िजिकल कनेक्शन एक फिज़िकल इंटीमेसी ज़्यादा चाहते हुए या फिर महसूस करते हुए दिख रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड किसी लेवल पे एक इनिशिएटिव एक एक्शन वो ले रहे हैं और ओवर एक्साइटेड ओवर एंथुजियास्टिक अगेन मैं कहूँगी किसी भी चीज़ के लिए या फिर एक फिजिकल एंटीमेसी के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं लेकिन देखिए मिड जनवरी के लिए यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्स रिवर्स एंड कैसनोवा का कार्ड्स कहते हैं कि थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर हर्ट महसूस कर रहे हैं और देखिए इसके लिए सब के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है लेकिन आपकी एनर्जीज़ देखें अगर सेजिटेरियस तो आपके लिए जनवरी स्टार्टिंग एंड मिड जनवरी तक के लिए हर्मिट का कार्ड था तो आप इतना एक्टिवली चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं और हो सकता है कि उन्होंने जनवरी स्टार्टिंग में कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स लिए और आपकी तरफ से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला और इसी एक थकावट भी वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं कि भाई इतने इनिशियेटिवस लिए इतना आपको हो सकता है कि कुछ कुछेरियस के पार्टनर ने कन्विंस करने की कोशिश करी हो किसी चीज़ के लिए और आप नहीं माने और इसी वजह से या फिर से मैं कहूँगी अदरवाइज भी एक हर्ट महसूस करते हुए दिख रहे हैं कहीं उनको ऐसा लग सकता है कि भाई गिवअप कर देना चाहिए कुछ होता तो है नहीं या फिर जिस तरीके का रिजल्ट वो चाहते हैं उस तरीके का रिजल्ट उनको नहीं मिलता है और देखिए यहाँ पे कैसनोवा का कार्ड भी इन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है मन ही मन उनको ऐसा लग सकता है कि बहुत सीरियसली वो इस रिलेशनशिप को ना लें थोड़ा सा उनको भी चीज़ों को लाइटली लेना चाहिए बहुत ज़्यादा यू you नो know, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए लेकिन देखिए मन ही मन वो ऐसा सोच तो रहे हैं लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट एंड समर के कार्ड्स कहते हैं कि एक कमिटमेंट या तो वो आपसे चाह रहे हैं या फिर एक कमिटमेंट वो आपको दे रहे हैं और देखिए हेरोफ्रेंड कहीं शादी की बात करता है रिलीजन की बात करता है सोसाइटी की बात करता है और देखिए जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सबके लिए रेफ़र कर सकता है कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो आपके साथ ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज चाह रहे हैं शादी चाह रहे हैं कुछ सर्जिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर सोसाइटी रिलीजन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं हैं और देखिए जो भी हो जो वो चाहते हैं उसके लिए बहुत फिक्सेटेड भी रहते हुए दिख रहे हैं और देखिए नीचे समर का कार्ड कहीं हैप्पीनेस जॉय की बात करता है कहीं एंथुजम एक्साइटमेंट की बात करता है तो कुछ ऐसा भी आपके पार्टनर जनवरी एंड में महसूस करते हुए दिख रहे हैं और अब देखते हैं सेजिटेरियस की जनवरी मंथ में क्या हो रहा है देखिए जनवरी मंथ के लिए सबसे पहली बात जो मुझे दिख रही है कि यहाँ पे दो नाइट्स के कार्ड्स हैं और नाइट्स कहीं चेंज मोशन मूवमेंट की बात करते हैं तो देखिए किसी तरीके के किसी लेवल के चेंजेस आ रहे हैं और देखिए नाइट्स कहीं ट्रैवल की भी बात करते हैं तो आप या आपके पार्टनर हो सकता है ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं और देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड नाइट ऑफ वॉन्स का है और ये कार्ड रिवर्स है तो देखिए ये कार्ड कहता है कि चेंज मोशन मूवमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज कुछ मसले हैं यहाँ पे अगेन देखिए ट्रैवल से रिलेटेड भी कुछ डिलेज हो सकते सकते हैं पोस्टपोन हो सकती हैं चीज़ें जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़ कुछ मसले हैं और देखिए हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर बहुत इम्पलसिव हो रहे हैं और देखिए आपके लिए तो हमने देखा की इतने एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं जहाँ पर वो बहुत इंपल्सिव हो रहे हैं बहुत एक्शन इनिशिएटिव या तो ले रहे हैं यहाँ पर लेना चाह रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं और देखिए ओवर अगेन मैं कहूँगी एंथुजमेंट एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है और इसी वजह से कहीं देखिए एक रेस्टलेस एनर्जीज भी इस रिलेशनशिप में जनवरी स्टार्टिंग में रह रही हैं और देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं लेकिन नाइट ऑफ वॉन्स के नीचे इरोटिक एक्टिवेशन का कार्ड कहता है ये एक फ़िज़िकल इंटीमेसी फ़िज़िकल कनेक्ट की वजह से ये एनर्जी ज़्यादा हैं और देखिए आपके पार्टनर के लिए हमने यहाँ पे लस्ट बाउंड के कार्ड में देखा भी था कि आपके पार्टनर बहुत एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए महसूस कर रहे हैं एक फ़िज़िकल इंटीमेसी चाह रहे हैं तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि इन्हीं एनर्जीज़ की वजह से काफ़ी सारे सेजिटेरियस के रिलेशनशिप में जनवरी स्टार्टिंग में छोटे मोटे ईशूज़ छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं और देखिए ये मसले ओवर एक्साइटमेंट ओवर एंथजियाजम से रिलेटेड रह सकते हैं आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाह रहे हैं एक्शन इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं और हो सकता है सजिटेरियस आप उस तरीके से रिस्पॉन्स ना दे रहे हों या फिर देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए ये रीडिंग है मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एनर्जी लेवल पे बता रही हूँ सिचुएशन सब के लिए डिफ़र कर सकती है और देखिए मिड जनवरी के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स एंड लव लिरिक्स के कार्ड कहीं प्यार मोहब्बत की बात करते हैं इमोशंस की बात करते हैं सेंटिमेंट्स की बात करते हैं और कुछ ऐसा ही मिड जनवरी में इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि देखिए कप ज़्यादा इमेजनरी वर्ल्ड की बात करते हैं और नाइट कहीं चेंज मोशन मूवमेंट की बात करते हैं तो देखिए कुछ चेंजेस अपने रिलेशनशिप में लाने के लिए एक ख्वाब या फिर इमेजनरी वर्ल्ड में एक विजन आप दोनों आप दोनों में से कोई एक बनाते हुए दिख रहे हैं और देखिए लव लिरस का कार्ड भी कहीं सॉन्ग्स लिटरली सुनने की बात करता है या फिर से मैं कहूँगी कि चीज़ों को बहुत फील करने की बात करता है लव की बात करता है तो नटशेल में देखिए मिड जनवरी में फ्यूचर को लेके प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी कि ये इमेजनरी वर्ल्ड में या फिर ड्रीमी वर्ल्ड में ज्यादा रहता हुआ दिख रहा है और देखिए जो भी मिड जनवरी तक हो रहा है कहीं एंड जनवरी में एनर्जीज थोड़ी सी चेंज हो रही हैं यहाँ पे फाइव ऑफ सोल्स एंड फूल्स गोल्ड के कार्ड कहते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि भाई जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है कहीं फेयर नहीं हो रहा है कहीं किसी लेवल पे किसी तरीके का इनजस्टिस है और देखिए सबका अलग नज़रिया होता है और सब डिफ़रेंट चीज़ों को लेकर एक अनफेयर एनर्जीज़ महसूस कर सकते हैं यहाँ पे देखिए मेरा कहने का मतलब है कि सजिटेरियस आप अपने तरीके से किसी चीज़ को लेकर एक अनफेयर एनर्जीज़ महसूस कर सकते हैं और आपके पार्टनर किसी और चीज़ को लेकर देखिए अपने नज़रिए से एक अनफ़ेयर एनर्जीज़ महसूस कर सकते हैं तो देखिए जो भी हो एक अनफेयर एनर्जीज़ एक इनजस्टिस किसी लेवल पे किसी तरीके का रहता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे देखिए सिचुएशन की वजह से भी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जो लोग आपके आसपास हैं उनकी वजह से भी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं और देखिए डीपर लेवल के लिए फूल्स गोल्ड का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों को लग सकता है कि भाई अभी तक जो भी किया कहीं वो वेस्ट गया और पता नहीं यू you नो know, वर्थ इट है भी या नहीं है आपको और टाइम एनर्जी इस रिलेशनशिप में लगाना भी चाहिए या नहीं और देखिए ये डीपर लेवल की एनर्जीज़ हैं और जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो कभी कभी ये ख्याल हमारे माइंड में आ जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप एंड कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर रिलेशनशिप एंड कर रहे हैं इनफैक्ट देखिए मैं कहूँगी कि फूल्स गोल्ड का कार्ड ऐसी एनर्जीज़ बात नहीं करता है लेकिन यस देखिए फाइव ऑफ सोस का कार्ड कुछ सेजिटेरियस में सबकी बात नहीं कर रही हूं कुछ सेजिटेरियस के लिए किसी लेवल पे ब्रेकअप की भी बात कर सकता है और देखिए फिर से मैं कहूंगी कि ये टेम्प्ररी भी हो सकता है और ये कुछ लोगों के लिए परमानेंट भी हो सकता है ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए जनवरी 2022 की लव रीडिंग और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें